वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेटर में। और हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखे और आज हम लोग उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गिवन दैट टेन ए इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। इस क्वेश्चन में हम लोग को जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसको फाइंड करने हैं, जैसे साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी को। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। ए बी सी राइट एंगल एट बी होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी एंड राइट एंगल एट डी, सॉरी बी। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, टेन ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो टेन ए इज इक्वल टू 4/3 और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेशियो के बारे में पढ़ा है। तो टेन ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये हमारा एंगल ए हो गया। एंगल ए के अपोजिट क्या है, 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है, ए बी है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। ए बी क्या हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया और बी सी 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालेंगे, एसी का वैल्यू। ये हमारा हाइपोटेनस है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके माय स्टूडेंट, देन इन द गिवन क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर, बी सी क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। यहां से हम लोग ए सी फाइंड आउट करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और ए सी हमारे पास आ जाएगा 25 और इस पर रूट डालेंगे, ये स्क्वायर जाके इस पर रूट आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। एसी हमारा क्या निकला, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए देखिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ये ए बी हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है और बी सी साइड अपोजिट टू एंगल ए है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो साइन ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, साइन ए एक हम लोगों ने ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू निकाल लिए हैं पहले से, तो साइन ए हो जाएगा हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो जाएगा साइन अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है, बी सी है, कितना 4 है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5। ओके, कॉस ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सिमिलरली, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5। और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस सी और साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन सी के लिए हम लोग इस एंगल को कंसीडर करेंगे, तो साइन सी का हमारा जो वैल्यू आएगा, साइन सी हो जाएगा हमारा ये ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, तो ए बी ये साइन सी के लिए हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए बी हो जाएगा,
जब हम लोग साइन सी सी इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट हमारा जो एंगल होगा ए बी हो जाएगा, इसके अपोजिट ए बी साइड है ए बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा 5, तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ 3/5, 3 हो गया, और ए सी दिया हुआ 5, तो साइन सी का वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस सी हमारे पास आ जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो बी सी हो जाएगा बाई हाइपोटेनस ए सी, तो बी सी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन ए का वैल्यू यहां निकाला, कॉस ए का वैल्यू निकाला, साइन सी का वैल्यू निकाला और कॉस सी का वैल्यू निकाला। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।